आज यहाँ पर महाराष्ट्र काम की गोरवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में हम लोगों ने दो विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा किया है। तो पहला विषय है वो आगामी विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में गोरवाना गणतंत्र पार्टी एक अच्छी संख्या में अपने प्रत्याशी महाराष्ट्र प्रांत में उतारे, ऐसा सभी की राय बनी है और इस दिशा में हम प्रयत्न करने वाले हैं गंभीरतापूर्वक। कम से कम विदर्भ क्षेत्र में हमारा प्रयास होगा कि हम अधिकतर सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारें और न केवल प्रत्याशी उतारें अपितु एक अच्छी संख्या में हमारे प्रत्याशी चुनाव जीते भी। जब मैं अच्छी संख्या की बात करता हूँ, मेरा तात्पर्य ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या, अगर हम 5-7-8 सीटें भी जीत लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का जो भविष्य दिखाई दे रहा है वो हंग असेंबली का दिखाई दे रहा है। कोई भी राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत का वायदा नहीं कर सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। और चूँकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गरीबों की बात करती है, आदिवासियों की बात करती है, तो गरीब और आदिवासी की बात को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ऐसी परिस्थिति में विधानसभा में उसके लिए उचित कानून भी बनवा सकेगी और उन मुद्दों को बड़ी ताकत के साथ, बड़ी सशक्तता के साथ उठा भी सकेगी। इसके लिए आज हमारे मध्य प्रदेश प्रांत के भी बहुत सारे कार्यकर्ता आए हैं, उनको महाराष्ट्र प्रांत के विभिन्न जिलों की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वो वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ के लोगों से परामर्श करके और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी का पैनल भी तैयार करेंगे, जिस पर बहुत शीघ्र ही हम लोग चर्चा करके हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। हमारा प्रयास ये होगा कि हम जितना जल्दी हो सके अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सके, जिससे कि उनको पर्याप्त समय मिल सके प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने चुनाव की तैयारी करने के लिए। जो दूसरा विषय था वो हमारे सदस्यता अभियान का था। इस वर्ष तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पूरे देश में सदस्यता अथवा संगठन पर्व के रूप में मनाने का निश्चय किया है और हमारा संगठन पर्व का आयोजन पूरे देश में चल रहा है और महाराष्ट्र भी हमारी एक महत्वपूर्ण इकाई है। चुनाव के कारण हमने इसको थोड़ा सा विलंबित कर दिया था, लेकिन अब राय बनी है कि चुनाव के दौरान ही हम इस अभियान को भी गति देंगे और चुनाव के साथ साथ सदस्यता का भी काम हम द्रुत गति से करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम उन सीटों पर एक अच्छी खासी संख्या में लोगों को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सदस्यता अभियान के माध्यम से जोड़ें। किसी पार्टी से गठबंधन की बात कर रही हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बात कर रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं, माननीय प्रकाश अम्बेडकर जी सामने आए हैं और उनसे सैद्धांतिक रूप से हमारा समझौता लगभग हो चुका है। अभी सीटों के संदर्भ में चर्चा चल रही है, सीटों की चर्चा जैसी फाइनल होगी तो सारी परिस्थिति आपके सामने आएगी। आपको ऐसा लगता है कि किसी राजनीतिक एक पार्टी को फायदा होने के लिए स्वतंत्र लड़ने की कोई घोषणा करें? ऐसा आरोप हम पर लगता रहा है, लेकिन हम एक निश्चित विचारधारा का पालन करते हैं। हमारे विचारधारा के अनुसार हम गाँव अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं। विशेष रूप से हम आदिवासी अंचल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, गरीबों की समस्याओं पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनके जो भूख और प्यास की समस्या है उसको फोकस करते हैं, उनके जीवन की जो बुनियादी आवश्यकता है उसको फोकस करते हैं और उसको लेकर हम चुनावी मैदान में हैं। जो बड़ी पार्टियां हैं यदा कदा इस तरीके का हम पे आरोप लगाती रहती हैं कि जैसे हम किसी के हाथ से खिलौना है, अगर हमको किसी के हाथ में खेलना है तो हम उस पार्टी में ही चले जाते, हम उनके हाथ में क्यों खेलते, उस पार्टी के सदस्य बन के काम करते। हमने अपने विचारधारा को लेकर, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, गरीबों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करने का निश्चय किया है। चुनाव में हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम काम कर रहे हैं तो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के लिए काम कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज में असमंजस की भावना है? आरक्षण को लेकर हमारी पार्टी में कोई असमंजस नहीं है।
कि मोदी सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति है, किस तरीके से समाज को विभाजित किया जा सकता है, विशेष रूप से आदिवासी और दलित समाज को, इसके लिए कभी सुप्रीम कोर्ट का आड़ लेकर, कभी किसी अन्य विषयों का आड़ लेकर वो आरक्षण को समाप्त करने का समय समय पर प्रयास करते रहे। आपको राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी का वो वक्तव्य याद होगा जिसमें उन्होंने आरक्षण को रिव्यू करने की बात की थी। तो रिव्यू करना यानी आरक्षण में हेर फेर करना, फेरबदल करना, ये उनकी मंशा है। अब उनकी मंशा का उस समय बड़ा विरोध हुआ और उसके कारण उस समय उनको बिहार प्रांत होना पड़ा था चुनाव में। तो अब वो रिव्यू करने की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण को किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, आरक्षण को किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है, इसके लिए पहले वो 400 पार की बात किया करते थे और अब आरक्षण के को जो प्राप्त करने वाले समुदाय हैं उन समुदायों में भेद करने के लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं, कभी ये बात करते हैं कि जिसको आरक्षण मिल गया है उसको दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से समाज के अंदर ही वो एक विभाजनकारी रेखा खींचना चाहते हैं जिससे समाज की ताकत कमज़ोर हो जाए और समाज के जागरूक लोग समाज से कट जाएं, जिससे कि इनके गरीबों की बेसहारों की आवाज़ को ताकत के साथ नहीं उठाई जा सके। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मिशन 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ महाराष्ट्र प्रभारी होने के नाते आज मैंने बैठक आहूत की और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है उस चुनाव में कितनी ताकत के साथ हम लोग जाके और महाराष्ट्र की विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, उसको लेकर के आज सुबह 11 बजे से हमारी बैठक यहाँ पर चल रही है। उस बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि जैसे ही डेट घोषित होती है महाराष्ट्र विधानसभा की, वैसे तत्काल 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग अभी से हमारे अन्य कार्यकर्ताओं को तैयार कर दिया और करीबन 100 सीटों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रकाश अम्बेडकर जी के साथ मिलके और चुनाव में जाए। क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि वंचित बहुजन आघाड़ी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अगर एक जगह हो जाता है किसी एक राजनीतिक पार्टी को उसका फायदा? हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कभी भी फायदे नुकसान के लिए काम नहीं करती। वो जो दबा कुचला और जो जंगलों में अपनी ऐसी जीविका चला रहा है जिसके साथ आज़ादी के बाद आज 76 से 77 साल होने वाले आज़ादी के बाद उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार किया गया, उनके जल जंगल जमीन, उनकी रक्षा सुरक्षा की आवाज़ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उठाती रही है। प्रकाश अम्बेडकर जी भी गरीबों के हित के लिए काम करते रहे, इसलिए हम उनके साथ मिलकर महाराष्ट्र की विधानसभा में जाए। 2024 के विधानसभा को लेकर आज यहाँ पे आपके कार्यपक्ष का आगवा बैठक का आयोजन किया गया है, क्या प्रोग्रेस होती है? 2024 के जो विधानसभा के इलेक्शन है उसके लिए आज से ही हम काफ़ी मतलब 2 साल से हमारा प्रयास चालू है और इस बार हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, वंचित बहुजन आघाड़ी, भारत आदिवासी पार्टी, आदिवासी हमारे जो एक्टर है, संगठना है, उन सभी को लेकर के हम विधानसभा आगामी विधानसभा में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज की क्या भूमिका है? आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज आक्रोशित है। जो बात संविधान में नहीं है, दूसरी बात न्यायालय ने उसको डिस्क्वालीफाइड किया है कि आरक्षण के बारे में जो हमारे साथ में धनगर का विषय को लेकर के आए हैं, तो हमें धनगरों का कोई विरोध नहीं है। सरकार आरक्षण किसी को भी देना चाहे तो वो अलग से कोटा बनाए, हम और ऐसी तरबूज भी नहीं है कि आदिवासी का आरक्षण धनगरों को मतलब सत्ता में जो बैठे हैं मंत्री महोदय है या जो भी अभी निर्णय लिए बीजेपी के शिंदे सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस ने और जो उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने, ये मतलब निर्णय लेना उनका संविधान के खिलाफ में।